आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक वाइब्रेशन टेस्ट। हमारे पास जितनी भी मशीनरीज हैं उन सभी में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से इंजन कितना कितना वाइब्रेशन करते हैं। तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको जगह को करना था समतल, ताकि हम चल फिर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर बारिश के कारण काफ़ी कीचड़ हो रखी थी। तो उस काम को करने के लिए हमने जिम्मेदारी सौंपी इस ट्रैक्टर को। तो जगह तो कर दी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस जगह पे जब लास्ट टाइम पे हमारा आइसर 485 फंसा था, वहीं पे आके ये फंस गया है। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, और इसको यार वॉश करके धो धा के रखा था और कैसा हो गया बताओ। तो जंजीर पड़ी है हमारी, ये इसको बाहर निकालना पड़ेगा सेम जगह से। ये तीसरी बार मशीन फंसी है यहाँ पे, इसको खींचते हैं और वो रही हमारी मशीन। तो दोस्तों, वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए हमने हमारे सारे साधनों को इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे। अब हम करने के वाले हैं, हम करने वाले हैं सबसे छोटे मशीनों से शुरू करेंगे और पानी के डिस्पोजल को मशीन के ऊपर रखेंगे, उसके नॉर्मल आरपीएम पे उसको चालू करेंगे और उसके जो हायर आरपीएम है वहाँ तक लेके जाएंगे, और हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि कहाँ तक जो है वाइब्रेशन जा रहा है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर हमारे पास जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें 242 जो कि 2003 मॉडल है और सिंगल सिलेंडर का इंजन है, बहुत बड़ा फ्लाई व्हील होता है जिसके कारण ये बहुत ज़ोर से हिलता है। और इस पे हम करेंगे जो बेस है, यहाँ भी रख के देखेंगे, यहाँ भी रख के देखेंगे और देखेंगे कहाँ तक जो है ये वाइब्रेट करता है। वैसे तो आपको पता ही है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। उसके बाद अगली मशीन जो है हमारे पास है महिंद्रा 275 DI XP+ जो कि है 2021 मॉडल, हमने पिछले साल ही लिया था, ठीक है। और ये जो है DI इंजन है, ये भी आप देख सकते हैं बॉस का इनलाइन पंप के साथ आता है, 3 सिलेंडर का, और बड़ा ही छोटा सा इसमें फ्लाई व्हील होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और बढ़िया से गेयरबॉक्स के साथ ये मशीन आती है, बहुत ही कम डीजल में काम करती है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो हमारे सामने है 2020 मॉडल JCB 3DX, ये जो है BS3 है, मतलब अब हम देखेंगे BS4 और BS3 इन दोनों में कितना वाइब्रेशन होता है। इन दोनों के बाद हमारे सामने है जॉन डियर जो कि है 2014 मॉडल, और ये 50-50E है, उस समय पे 53-10 डिसकंटिन्यू कर दिए थे, और 50-50E और 50-55E दो निकाले थे, ये जो है इनलाइन पंप के साथ आता है और 50-55E रोटरी पंप के साथ आता है विक्टर वो। और ये है हमारे पास 3630 जो कि रिसेंटली 2023 मॉडल है और स्पेशल एडिशन टर्बो के साथ 57 हॉर्स पावर महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 बिना टर्बो के। उसके बाद 485 आइसर 45 हॉर्स पावर 3 सिलेंडर। और उसके अलावा हमारे साथ कई सारी और भी साधन हैं, कार हैं, बाइक्स हैं, वो सब भी हम टेस्ट करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर से नहीं, हम अपनी बाइक से और कार से। तो भाई साहब, वाइब्रेशन की शुरुआत में ही हम करने वाले हैं, ये एक स्कूटी 125 cc और ये एक बाइक 100 cc, उसके बाद हमारे पास कार हैं उनके ऊपर रख के देखेंगे। ये देखो भाई, स्कूटी चालू कर रहे हैं हम, स्कूटी चालू हो गई। तो भाई अभी हम करके देखते हैं हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस, इसमें कितना वाइब्रेशन होता है। बहुत ही साइलेंट इंजन होता है, अब यहाँ तो रख नहीं पाएंगे, एक छत पे रख दिया है और एक यहाँ रख दिया है। तो भाई साहब, बाइक और कार के बाद अब करते हैं हम इसके साथ, और ये पानी के ग्लास इनको भरेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और फिर देखते हैं इंजन चालू करने के बाद क्या होता है। ये एक ग्लास
हमने भर दिया बिल्कुल फुल और रख देते हैं इसको यहाँ पे, इसमें तो पहले से बैलेंस नहीं है, और एक भर के रख देते हैं हम यहाँ पे। चालू करने से पहले इसको उठा लेते हैं क्योंकि ये बहुत जोर से हिलेगा। आपको यही पता चल रहा होगा कितना ज्यादा हिल रहा है, और अब मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे। अभी ट्रैक्टर जो है नॉर्मल आरपीएम पे है, बिल्कुल भी धीरे धीरे। दूसरा ग्लास यहाँ रखा है आगे की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन है और यहाँ पे ज्यादा है। धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाओ। वाइब्रेशन मतलब इसने तो सीमाएं पार कर दी हैं। फुल करो, फुल फुल। भाई ग्लास स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये नीचे गिर गया। बस 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 बंद कर दो। तो वाइब्रेशन करने में इसका तो कोई तोड़ नहीं, ग्लास नीचे गिरा दिया एक। और इसके बाद हम लेके चलते हैं हमारे सारी की सारी व्यवस्था को यहाँ पे, और इस ट्रैक्टर को और दोनों ग्लास को यहाँ रख दो। महिंद्रा 275 तीन सिलेंडर, कितना वाइब्रेशन है। चालू करे तब तो हिला, उसमें से मैंने हटा लिया था, और अभी है नॉर्मल आरपीएम। आरपीएम बढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, इस ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर में आरपीएम मीटर हमारे चालू नहीं है, इसलिए मैं आपको आरपीएम की रीडिंग नहीं बता पा रहा हूँ, बाकी हम और मशीनों में दिखाएंगे। चलो अभी नॉर्मल आरपीएम पे बढ़ाओ, धीरे धीरे आरपीएम बढ़ाओ। शुरुआत में वाइब्रेशन ज्यादा कर रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो स्थिर हो गया। फुल पे आ गया है। क्लास एक जगह पे स्थिर है लेकिन हिल नहीं रहा है। अभी हिला, मैं इस बार फुल खींच रखा है। बंद कर दो। बंद कर दो। तो ट्रैक्टर जब चालू होता है तब हिलता है, बंद होता है तब हिलता है, और जब आइडल मोड पे रहता है तब थोड़ा बहुत हिलता है। उसके बाद जैसे ही ये मैक्सिमम टॉर्क पे आ जाता है, मतलब 1500-1600 वहाँ पे इसमें ना के बराबर वाइब्रेशन होता है, और हल्का सा वाइब्रेशन बढ़ता है जब ये फुल आरपीएम पे होता है। तो ये अभी इनसे तो बढ़िया ही है। चलो अब इसके बाद लेके चलते हैं हम वहाँ पे, लास्ट में चलेंगे आईसर 485, उसको देखते हैं। ये उठा लो भैया, सबसे पहले लेके आते हैं आईसर 485 पे, ये कितना वाइब्रेशन करता है, और ये टर्बो वाले ट्रैक्टर इनका देखेंगे ये कितना करते हैं। तो ये थोड़ा तिरछा खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर को थोड़ा सा पीछे कर लो चालू करके। थोड़ा और बस। तो भाई ट्रैक्टर चालू है, ये हमने ग्लास भर के रख देते हैं। दूसरा वाला तो ये हमने रख दिया दूसरा ग्लास। तो भाई धीरे धीरे आरपीएम बढ़ा रहे हैं, देखो वाइब्रेशन इसमें भी नहीं है। बारह पे, अभी बारह पे इतना है। देखो बंद कर दो। बस ये चालू और बंद करने में हिला दिया इसने, बाकी
चालू होने के बाद आरपीएम बढ़ाते हैं, उसके बाद तो ना के बराबर वाइब्रेशन हमको दिखे। ग्लास जो है स्टेबल हो गए थे और अब फिर से इसको उठा लेते हैं दोनों ग्लासों को और यहाँ लेके आते हैं महिंद्रा अर्जुन नोवो के पास। और अब इसमें ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं है, इसको रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ढलान है। मैं रख के देखता हूँ, हाँ चल जाएगा काम। दूसरा भी रखो, जाओ चालू करो। चालू करने में तो इसने भी थोड़ा सा हिलाया और ये थोड़ा सा ग्लास ही तिरछा है, हमें ग्लास बदलना पड़ेगा। ये तो गिर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा ढाल है, इसको बीच में करते हैं। हाँ बढ़ो, पे ये बहुत चलता है। 1700 वापस करना, 1700 आरपीएम पे देखो इसमें वाइब्रेशन। रुको 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 रुको, आगे सरकाने दो। 1700 आरपीएम पे ही इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है फिर से बढ़ाना 1700 पे, ये देखो फिर से शुरू। महिंद्रा अर्जुन नोवो, ये देखो ये आ गया, भयंकर नाच रहे हैं। आगे से सड़क के नीचे तक आ गए हैं, बस बंद कर दो, बस ट्रैक्टर बंद कर दो। ये एकदम फुल हो गए, देखो फुल आरपीएम पे भी नहीं कर रहा है। बस बस बंद कर दो, बंद कर दो। भाई एक नई चीज़ देखने को मिली अभी तक जितनी मशीनें करी, कि 1700 आरपीएम पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्क देता है उस जगह पे आके इसने जो वाइब्रेशन दिखाया है ना, मतलब वैसे सीटें ऊपर उचकने लगे थे। तो ये एक अलग ही चीज़ हमको देखने को मिली इस ट्रैक्टर में। और अभी हम आ गए हैं इसके ऊपर, ये है हमारे पास न्यू ऑलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन है विद टर्बो, और इसमें भी टर्बो है। हम रखेंगे इनको यहाँ, ये आ गया हमारा दूसरा ग्लास। चलो भैया चालू करो, ये ज़्यादा नहीं हिला, बढ़ाओ। ये देखो आरपीएम बढ़ाना शुरू किया, भाई ट्रैक्टर चालू होने और बंद होने के अलावा इसमें 1300 से 1500 के बीच हल्का सा वाइब्रेशन था, बाकी कुछ खास नहीं है वाइब्रेशन इसमें। महिंद्रा 275 ने जैसा परफॉर्म किया था लगभग वैसा ही है ये, और उसने तो कमाल ही कर दिया टर्बो वाले ट्रैक्टर के साथ। अब इसकी बारी, और इसका मीटर भी चालू नहीं, इसका आरपीएम मीटर चालू है क्या? इसका भी चालू नहीं है, तो हम इसका भी नहीं दिखा पाएंगे। और ये हमारा दूसरा ग्लास, इस बार हमारे एक एक ग्लास जो है थोड़े थोड़े खाली हैं, और ये रख दिया हमने, थोड़ा सा हिला।
बंद कर दो। 11 साल पुराने ट्रैक्टर ने उम्मीद से बढ़िया काम किया और इसमें हमें वाइब्रेशन कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन है। अभी हम करते हैं इन दोनों के ऊपर टेस्ट। अब इसमें समस्या है, इसमें रखेंगे कहाँ पे? ये बेस्ट जगह है और इसके अलावा तो कहीं दिख नहीं रही। तो हमारे पानी के गिलास आ चुके हैं और पानी के गिलास जो है हमने रख दिए यहाँ पे, और स्टेबलाइजर जो है इनको करना पड़ेगा ऊपर और टायरों के ऊपर आ जाएगी मशीन, तब हम चेक करेंगे कि वाइब्रेशन होता है या नहीं होता है। चालू करो। बहुत ही कम वाइब्रेशन, जरा सी हिली मशीन। ये स्टेबलाइजर भैया ऊपर कर दिए, अब जो है टायरों के ऊपर वजन आ गया और ये लोडर भी ऊपर कर दिया हमने। चलो बढ़ाओ धीरे धीरे आरपीएम। तो भैया देखो अब जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे, जेसीबी के अंदर मुझे तो वाइब्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ भी रख रहा हूँ तो मुझे कहीं फील नहीं हो रहा है। बस बंद कर दो संतो भैया, बंद कर दो। चलो हम अब एक लोडर के ऊपर रख लेते हैं, सीधा करो लोडर को। तो ये रख दिया हमने लोडर के ऊपर, बढ़ाओ। यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। तो बंद होते वक्त तो हल्का सा ये भी हिला, हम इस पर और करके देखेंगे। और एक और ख़ास कारण इन मशीनों में वाइब्रेशन ना होने का, वो ये कि ये इंजन गियरबॉक्स हर एक चीज़ ये इन पर गुटके रहते हैं। गुटके इन द सेंस एक रबर के ऐसे बड़े बड़े गुटके लगे रहते हैं। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये इंजन है ये डायरेक्ट लोहे पे नहीं है। अब यहाँ से ये नीचे ये जो इंजन है ये यहाँ पे एक इस चैम्बर के ऊपर रबर के गुटकों के ऊपर टंगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा हिल नहीं पाती है। चालू होने पे हल्का सा हिला, देखो ये आइडल मोड पे जो है वाइब्रेशन हो रहा है। बढ़ाओ बढ़ाओ, तो वाइब्रेशन एकदम बंद। स्टेबलाइजर तो उठाओ, स्टेबलाइजर थोड़ा सा लोडर भी ऊपर करो। लोडर ऊपर हो चुका है, बस 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 काफी है। बढ़ाओ आरपीएम। मुझे लगता है नीचे रखी थी तब ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, अब कम हो रहा है। इस वाले ग्लास में तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है। अब ये भी शांत हो गया, देख लो। तो भाई साहब इत्तेफाक से आज हमारे टाटा का 2518 भी यहीं खड़ा हुआ है और उसको भी हम चालू करके देख लेते हैं कि भाई डंपर के अंदर कितना वाइब्रेशन होता है। एक डंप ट्रक हैवी ड्यूटी व्हीकल, उसमें क्या होता है। चालू करो। ये रहो भाई, जैसे ही चालू हुआ वैसे ही थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ। और इसको सेंटर में कर देते हैं, आरपीएम बढ़ाओ। आरपीएम पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बस रोक दो भाई, 6 सिलेंडर का 200 हॉर्स पावर का, 223 हॉर्स पावर होती है ये गाड़ी और BS4 है देख लो। और मतलब इतनी भारी भरकम मशीन, इतना बड़ा इंजन और ना के बराबर, तो ये भी कमाल की बात है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास खड़ी हुई है हमारी टाटा सुमो। चालू करो। अरे एक बार फिर से, ये देखो थोड़ा तो ये भी हिला। आरपीएम बढ़ाओ धीरे धीरे। ये थोड़ी साइलेंट है। काफ़ी साइलेंट है ये, लो आरपीएम पे जरूर वाइब्रेशन इसमें अच्छा खासा हो रहा है। अगर कार सेगमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी वाइब्रेशन है।
तो दोस्तों वाइब्रेशन टेस्ट को लेकर हमारी की गई ये कोशिश कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो। तो ये एक जेन्युइन वीडियो था जिसमें हमने वाइब्रेशन को दिखाने की कोशिश करी कि किस कैटेगरी के कौन सी मशीन में कितना वाइब्रेशन होता है। हमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन 242 पे देखने को मिला, हमें नोवो पे मिला, उसके बाद हमको न्यू हॉलैंड का बहुत बढ़िया लगा, और 10-11 साल पुरानी मशीन ये जॉन डियर, इसने भी गजब का परफॉर्मेंस किया जिसमें जेसी भी बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।